नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनावी मौसम में लिफाफों की तो आमद बढ़ चुकी है। किसी के हाथ में लिफाफा आता है तो देखने वाले को लगता है कि कहीं इस लिफाफे में सिंबल तो नहीं है, और सबको लिफाफों का इंतजार है। लेकिन मोदी और शाह को कतई उम्मीद नहीं थी कि इस चुनावी मौसम में एक ऐसा लिफाफा आएगा और जब वो लिफाफा खुलेगा तो उस लिफाफे से ऐसे आरोप निकलेंगे, ऐसे तथ्य निकलेंगे, ऐसा प्रेत निकलेगा जो घेर लेगा, जो ग्रहण लगा देगा उन पर, जो पसीने छुड़ा देगा उनके। महाराष्ट्र के चुनावों के बीच ब्राउन कलर का, भूरे रंग का एक लिफाफा खुल गया है और इस लिफाफे ने मोदी शाह को पसीने पसीने कर दिया है। इस लिफाफे से जो जिन निकला है वो जिन सवाल कर रहा है कि फडणवीस मोहरा थे या मास्टरमाइंड थे। अब जिन का सवाल है तो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, इस जवाब को तलाशने के लिए भाऊ को जोड़ना पड़ेगा कि फडणवीस मोहरा थे या मास्टरमाइंड। भाऊ, ये मामला जो लिफाफा खुला है ये अनिल देशमुख की किताब आई। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे। अनिल देशमुख इस दौर में सियासत में विश्वासघात जब चरम पर है, विश्वासघात को यूएसपी मान लिया गया है, उस दौर में कैसा नेता जिसने वफादारी का परचम लहराया, झंडा गाड़ दिया। अब कम से कम अनिल देशमुख का नाम अगर कहीं भी सियासत में लिया जाता है, वो दल अनिल देशमुख को पसंद करे ना करे, लेकिन अनिल देशमुख की वफादारी पर एक बार जरूर कहता है, हाँ आदमी में दम तो है, बंदे में दम है। अनिल देशमुख ने एक किताब लिख दी, डायरी ऑफ ए होम मिनिस्टर। अब ये किताब आई नहीं है बाजार में, लेकिन लिफाफा खुल गया है। हम तक उस किताब के कुछ अंश की जानकारी आई है, और भाऊ तो निजी तौर पर अनिल देशमुख जब किताब लिख रहे थे तो भी भाऊ से रूबरू हुए थे, बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। इस जो है किताब में एक ब्राउन कलर के लिफाफे का जिक्र है और पूरी किताब की कहानी उस भूरे रंग के लिफाफे के इर्द गिर्द घूमती है। उस लिफाफे में से जो पन्ना निकला था उसमें चार लोगों को, चार किरदारों को फंसाने की साजिश थी। फिर लंबा चौड़ा इसमें काम हुआ, फेस टाइम या व्हाट्सएप पर कॉल पर फडणवीस साहब आए। फडणवीस अनिल देशमुख को क्या बोलते हैं? भाऊ बोलते हैं। जैसे मैं भाऊ बोलता हूं, फडणवीस वाला भाऊ सुनने के बाद मुझे भाऊ बोलने में डर लगने लगा, क्योंकि वो भाऊ के साथ बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। अब भाऊ से ही सवाल है, भाऊ क्या क्या था, किसको किसको फंसाना था, जरा किरदार, एक एक किरदार पर जरा खुलासे करिए। देखिए आशीष, हाँ। जो खुलासे, जो बहुत छोटे सीमित खुलासे हुए हैं अभी, बहुत एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको बोलते हैं, कि हिमखंड का सिर्फ छोटा सा पार्ट आज एक चैनल ने दिया। मैं आज आपके सामने बता दूं कि सबसे पहले जेल में निकलने के बाद एक विस्तृत बातचीत उन्होंने कैमरे पे न्यूज लॉन्चर के साथ की थी। तब उन्होंने हिंट दिया था उनको कि कैसे अफिडेविट उनको दिए गए थे दो बार, और एक बार अफिडेविट में पवार परिवार का नाम डिलीट कर दिया था। लेकिन किसने अफिडेविट लाए थे, कौन लाया था, क्या लाया था, इसके बारे में उन्होंने कहा कि समय आने के बाद मैं बताऊंगा। वो एक किताब लिख रहे थे, और वाकई मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि किताब की दूसरी या तीसरी कॉपी मुझे मेरे पास आई, और ये बात हुई थी कि ये किताब को हम तब तक इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, या इसको ओपन नहीं करेंगे, या इसको रिलीज नहीं करेंगे, जब तक उसका वो नहीं करते, जब रिलीज नहीं होती। लेकिन कुछ उसका चैनल पे लीक हुआ है मामला, तो मुझे लगा कि मुझे भी बोलना पड़ेगा। वो किताब हमारे पास है, और हम अब सोचते हैं कि शायद सोमवार से हम किताब का सीरियलाइज करेंगे, सीरियल वाइज एक एक मैं पन्ना खोलूंगा। ये किताब होम मिनिस्टर की डायरी नहीं है, एक होम मिनिस्टर में जेल में डालने के बाद वो कैसे षड्यंत्र के तहत उसको जेल में भेजा गया, उसकी डायरी है। ये किताब इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी है कि मैंने अनिल देशमुख को हंसते हुए कहा कि राजनीति छोड़ के आप यदि लिखने में आते तो शायद आपके नाम पे कई सक्सेसफुल फिल्में होती।
और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में चुनाव खत्म होने के बाद इस किताब पे कोई ना कोई एकाध सीरियल बन सकती है, इतनी बेहतरीन उसकी शैली है लेखने की। मानो मैं मराठी में एक लेखक हुआ करते थे बाबूराव अर्नाळकर, जो डिटेक्टिव कहानियां लिखते थे और बहुत फेमस थे उनकी किताबें, वैसे ही ये उपन्यास एक डिटेक्टिव उपन्यास थ्रिलर की तरह पढ़ा जा सकता है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो दो प्रस्ताव आए थे, हुआ क्या था, 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगे थे। जब ये 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगे थे तो उन्होंने देखा, ये आरोप भी बाद में लगे थे, सबसे पहले अंबानी के घर के सामने एक गाड़ी में विस्फोटक मिले। वो विस्फोटक मिलने के बाद, वो विस्फोटक का जो मामला है वो जब पीछे एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जुड़ता है, फिर जिसकी गाड़ी थी उसकी हत्या होती है, और फिर हत्या के मामले में जब बहुत सारा मामला जुड़ता है तो फिर ये जब पुलिस डिपार्टमेंट में ये गृहमंत्री थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको ये पता पड़ा कि इसमें बड़े पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व है, तो उन्होंने आनंद फानन में उस पुलिस अधिकारी का वहां से ट्रांसफर कर दिया, ये बोल के कमिश्नर साहब का कि ये क्या हो रहा है, ये महात्र किसका आदमी भाई। जब पूरे कमिटी में मीटिंग में सभी अधिकारियों ने लिख के दिया था कि मात्रे वापस नहीं आना चाहिए डिपार्टमेंट में, सबको ओवरराइड करते हुए आपने उसको ले लिया है। जब कमिश्नर को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी इस पूरे अंबानी के घर के सामने विस्फोटक और हत्या और इसको लेके, और कमिश्नर का जब तबादला हुआ तो कमिश्नर ने आरोप लगाए कि ये तो 100 करोड़ रुपए की वसूली है। और जब इस 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला आया, कमिश्नर ने आरोप लगाए, उसके बाद स्थिति ये होगी कि कमिश्नर खुद ही फरार हो गए। और जब कोर्ट के सामने आए तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना था 100 करोड़ का मामला। जो अभी पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो अभी बेल पे निकला है, उसने भी जेल से अंदर से कहा कि नहीं मेरे पास प्रूफ है, लेकिन उसने कोर्ट के सामने जज साहब के सामने अफिडेविट पे ये बात कही कि भाई मेरा, मुझे तो कमिश्नर साहब बोलते थे, मेरा तो इनका कोई लेना देना नहीं। उसके बाद उसी जज के सामने जिस डांस बार से वसूली हो रही थी, डांस बार के मालिकों का गवाही हुई और बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ जज साहब के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि हम जब पूछते थे इसको इतना पैसा क्यों वसूल रहा है हमसे, उन्होंने कहा मुझे 100 करोड़ का टारगेट पूरा करना है, सीपी साहब ने बोला है, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है, इट इज अ डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद उनके ऊपर ईडी और इसका प्रकोप हुआ, कुल मिला के ये मामला रंगाया गया। इसका मास्टरमाइंड दिल्ली में था, लेकिन इसका ऑपरेटिव पार्ट जो था वो देवेंद्र फडणवीस था। तो देवेंद्र फडणवीस को ये बोला गया कि एक काम करो, इसको गवाह बनाओ, जो ईडी का रेगुलर फॉर्मेट है, एक को गवाह बनाओ और सबको अंदर करो। तो उनको लगा कि हम शरद पवार, अजीत पवार, शरद पवार के बेटे परब, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये पूरा ग्रुप की ग्रुप हम जेल में डाल सकते हैं। तो इसके चलते एक अफिडेविट बनाया गया। अब अफिडेविट देगा कौन? तो अफिडेविट देने के लिए उन्होंने एक पार्टी का आदमी, तो कोई ये उनको कॉन्फिडेंस में रखना था। तो उसके बाद उन्होंने एक देवेंद्र फडणवीस के एक मित्र है और देवेंद्र फडणवीस के उनके बड़े घरेलू संबंध है, और वो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, वो सांगली मीरठ के आसपास का एक बहुत ही छोटा एक जनसुराज पार्टी है जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है महाराष्ट्र में, उसका वो कोई पदाधिकारी है, लेकिन फिर फडणवीस का खास है। तो उन्होंने, फडणवीस ने उसका उपयोग किया कि भाई तुम जाओ और ये एक लिफाफे में एक तो अफिडेविट। तो वो अनिल देशमुख के पास गया और अनिल देशमुख को कहा कि देखो साहब, ये जो है मैं एक लिफाफा, मतलब लिफाफा दिया उसने ब्राउन रंग का, बोला सर इसमें एक अफिडेविट है और मैं फडणवीस साहब की तरफ से आया हूँ, और आप फडणवीस जी को, फडणवीस जी ने कहा कि ये यदि एक आप अफिडेविट ले तो इस अफिडेविट को आप साइन करें तो फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। तो उनने वो 4 पॉइंट पढ़े पहले, तो उसमें जो 4 पॉइंट में था कि भाई इसमें एक था कि दिशा सालनिया की जो मौत है उसको आदित्य ठाकरे को जोड़ दिया जाए, आदित्य ठाकरे उसमें इन्वॉल्व है ये कहा जाए, और जो अजीत पवार और उनके बेटे पार्थ पवार, इनको एक खुद का निर्माताओं से पैसा वसूल रहे जबरिया,
ये आरोप ये एफिडेविट में होना चाहिए आपके आरोप में। और तीसरा पॉइंट था कि शिवसेना का जो परब है अनिल परब, जो ठाकरे परिवार के बड़े नजदीकी माना जाता है, उनको साई रिसोर्ट में उनका पैसा लगा है, लेकिन सामने सदानंद कदम नाम का एक आदमी है, लेकिन ये बेनामी सारी संपत्ति अनिल परब की है, ये आप एक पॉइंट लिख दीजिए। और चौथे पॉइंट में आपने लिखे ये बताइए कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए 300 करोड़ रुपए मांगे हैं देशमुख से, या आप गृह मंत्री हैं, 300 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए चुनाव के लिए। ये हलफनामा यदि आप देंगे तो ये अप्रैल 2022 में वो व्यक्ति उनके बंगले पे आया। अब अनिल देशमुख ने देखा कि वो व्यक्ति जो आया है तो ये है कौन भाई, कोई भी आदमी कहेगा कि मैं देवेंद्र फडणवीस का है। तो पहले तो उन्होंने उसको कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस के तरफ से आया हूँ, और तो उसको लगा कि देवेंद्र फडणवीस तो मुझे सीधी बात कर सकते थे, क्योंकि ऐसी संवादहीनता तो नहीं थी, दोनों नागपुर के हैं और बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छे संबंध है, तो इसमें क्या हुआ। तो जब उसको लगा कि यार ये कौन है, कौन आदमी, तो उसको बिठा के रखा उन्होंने और उसका जरा सोशल मीडिया पे प्रोफाइल चेक करवाया। तो प्रोफाइल में ये दिखा कि ये जो कदम है ये तो समित कदम, ये तो एक छोटा रीजनल पार्टी का, सुराज शक्ति पार्टी का है, उसका हिस्सा है, जो बीजेपी का साथ दे रही है वर्तमान में, और फडणवीस के साथ उसके बहुत सारे फोटो है। फिर उन्होंने कहा कि फडणवीस जी से बात करवा देता हूँ। फिर उसने फेस टाइम पे बात करवाई फडणवीस जी से, तो फडणवीस जी अपने फोन से जोखिम नहीं उठाना चाहते थे बात करने का, तो उन्होंने फडणवीस जी ने किसी का नंबर दिया होगा तो उस पर बात करी। और फिर उसके बाद फडणवीस ने कहा भाऊ आप का केस जो है उसमें कोई दम नहीं है, हमने देखा है कि बस ईडी के अधिकारी आएंगे, आपको नॉमिनल इंक्वायरी करेंगे और निकल जाएंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा, बस आप ये जो है इतना अफिडेविट जो है मेरा वो साइन करके भेज दीजिएगा। तो उनको तो कुछ नहीं कहा, और उनने फिर जब अफिडेविट में, तो इनका दिमाग खराब हो गया कि यार जिस आदमी ने 80 दिन के लिए सरकार बनाई और जिसमें अजित पवार को उसने अपना साथी बनाया था, अपना उप मुख्यमंत्री बनाया था, वो आज अजित पवार और उसके बेटे को भी अंदर करने की बात करता, मतलब किस लेवल पे गिर गई है। तो वो गुस्से में लाल हुए और उन्होंने कहा समित को कि मेरे बंगले के आसपास देखना मत, है ना, और अफिडेविट फेंक दिया उठा के। बराबर एक सप्ताह बाद फिर समित आया और उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी हैंगिंग गार्डन में खड़ी कर दी और वहां से वो अनिल देशमुख के बंगले तक चलते हुए आया, और वो इसलिए कि भाई बंगले के रिकॉर्ड नहीं हो जाए कि गाड़ी में प्रवेश किया। और फिर आया और उसने कहा कि भाई आप एक काम करिए कि ये जो मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, अजीत दादा आप ही के पार्टी के, तो अजीत दादा का और उसके बेटे का हम ड्रॉप कर देते, बाकी पॉइंट पे आप वो कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी के भी बारे में झूठा हलफनामा नहीं दूंगा, और उसको भगा दिया। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तुरंत 2 दिन बाद उनके ऊपर रेड हुई। जब रेड हुई तो जो आगे की बात जो यहाँ डिक्लेयर नहीं है, तो मैं जब किताब एक किताब का चैप्टर वाइज हम करेंगे, अभी चुनाव है तो चुनाव के माहौल में बार बार लोगों के एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, हर रोज एक एपिसोड देंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि अधिकारी जब आए तो उन्होंने अनिल देशमुख को कहा कि आपने ऊपर बात कर ली है। तो इसी बीच में अनिल देशमुख ने ये बात थोड़ी सी विश्वास में लेके उनको, मतलब शरद पवार जी ने अनिल देशमुख को कहा कि ईडी अब तुम्हें उठाएगी, अनिल तुम्हें अरेस्ट करेगी, ऐसा लगता है मुझे, मेरे सोर्सेस ने बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो भी, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं और मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका मेरे से न्याय करेगी। तो जब वो ईडी के अधिकारी आए तो उन्होंने, ईडी के अधिकारियों ने सबसे पहले अनिल देशमुख को नमस्कार चमत्कार होने के बाद वो वारंट दिखाए होंगे, उसके बाद कहा कि साहब एक बार ऊपर बात कर ली। उन्होंने कहा कर ली बात? बोले किससे कर ली? बोले शरद पवार से। बोले नहीं नहीं आप ऊपर बात कर ली। उन्होंने बोला मेरे ऊपर शरद पवार ही है, बाकी लोग आपके ऊपर होंगे, मेरा कोई ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर भगवान है और उसके बाद शरद पवार है, तो मैंने उनसे बात कर ली है और मेरा भगवान मेरे साथ है, आपको जो करना शुरू करो। और उसके बाद जो प्रताड़ना चालू होगी, 13 महीने वो जेल में, जेल से जब बाहर आए तो सर्वोच्च न्यायालय, मतलब हाईकोर्ट ने, जो मतलब हाईकोर्ट से पेश ही नहीं हो रही थी, अल्टीमेटली उनको सर्वोच्च न्यायालय जाके हाईकोर्ट को आदेश देने पड़े कि आप इतनी सुनवाई करिए,
टाइम सुनाएंगे। तो हाईकोर्ट ने जब बेल अप्लीकेशन की तो हाईकोर्ट ने कहा कि अब इन पे लगता कहाँ है, इन पे कैसा ईडी कैसा लगा, पीएमएलए कैसा लगा, क्योंकि 100 करोड़ की वसूली सरकार करके सारे चैनल पानी पी पी के कोस रहे थे, लेकिन जब चार्जशीट फाइल हुई तो किसी भी चैनल ने ये जरूरी नहीं समझा कि वो चार्जशीट को दिखाए। वो चार्जशीट 110 करोड़ की होती तो ये फिर चिल्लाते होते 10 करोड़ और बढ़ गया, 10 करोड़ और बढ़ गया। वो चार्जशीट थी 1 करोड़ 80 लाख की, और सब जब जब जो जिसने आरोप लगाए थे 100 करोड़ वसूली के, वही कहता है कि मैंने हियर से काना फूसी वाली बात सुन के मैंने बताई। तो उनको बहुत लताड़ा जज ने, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे पोस्ट पे, और इसके बाद भी आप इसी की बात करते हैं। तो उसके बाद जब ये जेल के बाहर आए तो इनको जमानत मिल गई। उस जमानत मिलने के बाद ईडी ने अभी दूसरी बार, मतलब जमानत के बाद ईडी चुप है, जमानत के बाद ईडी चुप है, क्योंकि ईडी को पता है कि ये केस जितना आगे बढ़ेगा उतना ईडी की किरकिरी होगी, चीचा लेदर होगी। लेकिन अनिल देशमुख की वजह से बाकी लोग डर गए, छगन भुजबल डर गए, बाकी कई लोग डर गए, अजित पवार डर गए, और फिर वो लोग सीधा पार्टी तोड़ के उधर चले गए। अनिल देशमुख बरकरार रहे शरद पवार के साथ। अब जब अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री है, वर्तमान गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस है, तो जब भी कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की बात आती तो अनिल देशमुख हमला बोलते, तो वो हमला, वो वर्ड ऑफ वर्ड्स इतना तीखा हो गया था कि फिर अनिल देशमुख ने कहा कि मुझे मालूम है आपने एफिडेविट करने के लिए लोग भेजे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी तुम्हारी एक पेन ड्राइव रखी हुई है, तो उन्होंने कहा आप पेन ड्राइव निकाल दो। उन्होंने कहा कि आप पेन ड्राइव रिलीज करो, मैं नाम रिलीज करता हूँ, और फिर उन्होंने सुमित कदम का नाम रिलीज किया, और आगे कहा कि मेरे पास कुछ वीडियोज है, मैं वो भी रिलीज करूंगा, क्योंकि सुमित कदम ने जो भी बात की वो सारे वीडियो पे रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी कैमरे पे, और वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी है आशीष भाई। तो वो रिकॉर्डिंग मार्केट में आ गई, तो इनको चेहरा नहीं होगा इनको दिखाने के लिए। ये कह नहीं सकते कि सुमित कदम से मेरी संबंध नहीं है, बहुत घनिष्ठ संबंध है और पारिवारिक संबंध है। जो आदमी कोई औकात नहीं उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, क्योंकि वो एफिडेविट लेके गया शायद। नहीं, जिस दिशा में जा रहा है मामला भाऊ, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हम किताब के तो अंश सारे खोलेंगे, लेकिन ये तो सरकार बदली दिल्ली और मुंबई दोनों जगह, दिल्ली और महाराष्ट्र में, तो ये तो जेल जाएंगे सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। उनके पास एविडेंसेस है, देखिए एविडेंसेस है, ये प्रताड़ना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास पेन ड्राइव वगैरह है, मैंने सीबीआई को दिया, सीबीआई ने एक नोटिस जारी किया, अनिल देशमुख ने कहा सीबीआई के लिए भी तैयार हूं, फिर जेल डाली है मुझे। अब मेरा सवाल देवेंद्र फडणवीस को था कि जब ईडी केस लड़ रहा था, ईडी का केस कमजोर पड़ गया, तब आपने एविडेंसेस क्यों नहीं दिए? आपको क्या गरज थी कि अनिल देशमुख को अफिडेविट मांगने की कि आदित्य ठाकरे दिशा सालानिया के केस में है, जबकि नारायण राणे और उसके दोनों बच्चे कह रहे थे कि उनके पास प्रूफ है। तो आप सीधा नारायण राणे और उनके बच्चे के पास जो प्रूफ है वो प्रूफ लेकर सीधा आप गृह मंत्री हैं, आप लटका दीजिए आदित्य ठाकरे को, फांसी पे चढ़ा दीजिए यदि वो हत्या में जुर्म हो तो, क्योंकि नारायण राणे भी कुपड़ आदमी है, अनपढ़ भी नहीं, जो ये आरोप लगाता है कि हमने भी 50-50 खोके दिए हैं, हमारे पास डायरी मेंटेन है। अरे ईडी ने छापे मार लेनी चाहिए, नारायण राणे के घर ईडी ने छापा मार के वो डायरी जब्त करनी चाहिए और उद्धव ठाकरे को जेल भेजना चाहिए। एक मराठी मतदाता होने के नाते ये मेरा आह्वान है ईडी को, लेकिन वो 50 खोके कहां से आए ये भी तो नारायण राणे को बताना पड़ेगा। जो थापा भाई के यहां चाय पिलाता था, चाय पानी करता था, जो इनकम टैक्स में प्यून था, उसके बाद 50 करोड़ आए कहां से उद्धव ठाकरे को देने के लिए? तो मुझे वो जेएमएम वाली पुरानी कहानी याद आ जाती है कि रिश्वत का पैसा लेके बैंक में जमा करने गए थे
और उनको पता ही नहीं था कि ये नंबर दो का पैसा नंबर एक का पैसा, बेचारे भोले लोग हैं, उनको जब कैश आए उनको लगा घर में क्या करेंगे, वो बैंक में जमा करने गए, रिकॉर्ड पे चीजें आ गई। तो ये नारायण राणे रिकॉर्ड पे बता रहे कि मैंने 50-50 खोके दिए। अरे खोके दिए है तो कल ईडी तुम्हारे घर में घुसेगी, तुम्हें सबसे पहले जवाब ये देना पड़ेगा कि तुमने 50 लाए कहां से, फिर देने की बात। फिर उद्धव ठाकरे को पूछा जाएगा कि क्या लिए, और किसी के डायरी, भाई जैन डायरी भी तो इस देश में आई थी, उन्होंने तो कईयों के बारे में हिसाब लिखा था, क्या हुआ जैन डायरी का। आपको यह भी बताना होता है कि जो 50 करोड़ आपने दिए वो उद्धव ठाकरे ने कहां रखे। आपने जिस डेट को 50 लिए, 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे ने 50 करोड़ का सोना खरीदा, तो वो कोलैबोरेट होता है। इस देश कानून से देश चलता भाई, अफिडेविटों पे चलाओगी क्या? लेकिन ये जो है मोहरा और मास्टरमाइंड के बीच जो उलझी हुई ये कहानी है, उलझी हुई क्या है भाई साहब, अब क्या बताऊं। देवेंद्र फडणवीस की स्थिति इतनी दयनीय है, मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा हुआ है और उसने देवेंद्र फडणवीस का उपयोग कर करके देवेंद्र फडणवीस को कहीं का नहीं छोड़ा। हर जगह देवेंद्र फडणवीस के खंधे से बंदूक चली। और देवेंद्र फडणवीस समझ ही नहीं पाए कि मेरा इतना दुरुपयोग हो रहा है, और उस दुरुपयोग के चलते महाराष्ट्र में सबसे बड़े विलन घोषित हो रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्रियों का जब मैं आकलन करता हूं तो मुझे देवेंद्र के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में लिए गए हुए फैसले कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को एक नई दिशा दिखाने वाले लगते। लेकिन ऐसा इंटेलिजेंट आदमी सत्ता के लोभ में इतना पागल हो जाता है कि उसको पता ही नहीं पड़ा कि उसका उपयोग दिल्ली वालों ने कैसा किया। उसको लग रहा था कि मैं उपयोग में आ रहा हूं, वो दुरुपयोग हो रहा था। और आज कोई पार्टी तोड़ने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया, बाहर के लोग अंदर पार्टी में कौन लाए, देवेंद्र फडणवीस लाए। ये अफिडेविट वाले लफड़े किसने किए, देवेंद्र फडणवीस। हाँ। ये नैतिकता की निचांक है जो अनिल देशमुख के साथ किया। मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कोई भ्रष्ट नहीं है, हर नेता भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं करता है, आटे में नमक सब करते हैं, लेकिन आप नमक का ही आटा गूंथने जाओगे तो नमक पिघल जाएगा। कहीं नहीं ये प्रयास किया, इसलिए सोरेन हो, केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, संजय राउत हो, सब ईडी के मामले पीट गए कोर्ट में। हाँ। सबके जमानत देते हुए जो जज साहब ने जो स्ट्रिक्चर पास किए, लेकिन निर्लज्ज लोग हैं, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म है कि आती नहीं, क्या करें। ईडी तो रोज जूते खाने के बाद भी एक आध बार जूता नहीं पड़ता तो ईडी का अधिकारी लगता होगा कि आज क्या हो गया हमारे साथ, आज जूता ही नहीं पड़ा, ये रोज की खुराक हो गई उनकी। दोपहर में कहते होंगे सब आज भूख से लग रही है, भूख से लग रही, पेट नहीं भरा, आज किसी ने लताड़ा नहीं। हास्यास्पद हो गए एजेंसियां, हास्यास्पद हो गई, फडणवीस हास्यास्पद हो गए, और महाराष्ट्र जैसे राज्य के गृह मंत्री को आपने 13 महीने जेल में रगड़ा, ये आकलनीय है। लेकिन इस चुनाव के बीच में महाराष्ट्र के मतदाताओं को मैं ये मतलब ये हम अपने तरफ से कह रहे हैं भाई बतौर पत्रकार कि मतदाताओं को देवेंद्र फडणवीस अगर कहीं जाते हैं तो उनसे कहना चाहिए कि भैया वो देशमुख साहब ने सब नाम पता गांव गाड़ी पार्किंग सब बता दिया, अब अपना पेन ड्राइव भी दिखा दो। नहीं मैं तो इंतजार कर रहा हूँ पेन ड्राइव का, और यदि पेन ड्राइव हमारे पास देती है तो हमको अनिल देशमुख के खिलाफ पेन ड्राइव लाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चैनल अनिल देशमुख का नहीं है, ये दर्शकों का चैनल है, लोगों का चैनल है, हम तो तुरंत दिखाएंगे, और यहाँ सच्चाई उजागर होगी। हम चाह रहे हैं कि इस चुनाव में जब इतना खुलासा हुआ है, इस खुलासे के बाद अगर वाकई बताएं इस ये तथ्य जब आ रहे हैं और जब ये चर्चा हो रही है कि फडणवीस ने फोन पे कहा भाऊ हो जाएगा केस कमजोर है, उसके बाद गया ये कदम और कदम जो है वहां पे चार जो केस कमजोर ही था आशीष, केस कमजोर नहीं होता
तो इनको जमानत नहीं होती। हाँ नहीं, फडणवीस क्या मुंह दिखाएंगे, वोट कैसे मांगेंगे, ये ब्लैक, अगर ये चीजें हैं सामने तो ब्लैकमेलर है ये, ब्लैकमेलर। अरे मैंने क्या कहा आपको, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म है कि आती नहीं, क्या कहें। चलिए 1500 रुपए देके लाडली बहना के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं लोग, बहन भाइयों के भरोसे होती है, मैंने पहली बार देखा बहनों के भरोसे ये लोग हो गए। नहीं, किताब के पन्ने खोलने पड़ेंगे और खोलने पड़ेंगे पन्ने। नहीं नहीं, मैंने मैंने मेरे पास किताब अपने अपने लाइब्रेरी में है, अपने ऑफिस के ही आशीष जी, और मैंने ये बात बोली थी कि ये किताब किसी को इशू मतलब देना, मतलब किसी को, क्योंकि मैंने मैंने उसमें से कुछ टैग किए हुए पन्ने हैं, मैंने उसमें टैग भी करके रखा है कि वो पढ़ने लायक। और फिर मैंने अनिल देशमुख को एक बार कहूंगा कि अनिल जी राजनीति में नहीं होते तो बहुत अच्छे लेखक होते, इस देश ने एक अच्छे एक राजनीति के चक्कर में एक अच्छे लेखक को खोया है। और ये तो किताब मराठी हिंदी और अंग्रेजी तीन ही भाषाओं में है, मेहता पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है, बड़ा पब्लिशिंग हाउस है महाराष्ट्र का। चलिए, एक वेब सीरीज का मटेरियल दे दिया है, 100% यकीनन वेब सीरीज का मटेरियल है, लेकिन इस वेब सीरीज के बीच एक गंभीर मसला महाराष्ट्र का चुनाव है, और इस महाराष्ट्र के चुनाव में आज जो लिफाफा खुला है, ब्राउन वाला लिफाफा, उस लिफाफे के बाद दो आदमी जो सीधे सीधे, बाकी पर्दे के पीछे वालों का भी वहां से भी पर्दा हटाएंगे, सीधे सीधे दो आदमी के लिए आज बड़ा सवाल है। अजीत दादा पवार बेटे समेत निपटाने की प्लानिंग थी गुटके वाले से वसूली के मामले में जोड़ करके, और बैठे हैं वही फडणवीस के साथ। अजीत दादा पवार क्या, अब तो ये किताब सप्ताह भर में महाराष्ट्र के हर आदमी तक पहुंच जाएगी, ये समझिए आप, मतलब हार्ड कॉपी नहीं, लेकिन इसके पन्ने, इस लिफाफे के भीतर का सच तो पहुंच ही जाएगा, और कोई पहुंचावे चाहे नहीं पहुंचावे, ये तो हम कहते हैं कि हम तो भाई पहुंचाएंगे, खुला पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है पहुंचाएं। तो अजीत दादा पवार क्या कहेंगे कि जो हमको निपटाया था हम उसके साथ उसके लिए वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे। और देवेंद्र फडणवीस, सब ठीक है, मैं सब चीज कहता हूं कि रील भी बनाना ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फडणवीस साहब ये अच्छा नहीं है, आप चेहरे से हाव भाव से भी ऐसे नहीं लगते हो कि किसी को निपटाना, किसी की जिंदगी। नहीं, नहीं। देवेंद्र फडणवीस बहुत ही सुसंस्कृत परिवार से आते हैं, मेरे उनके थे? मैं उनके छोटे उनके बड़े भाई को जानता हूँ, मैं उनके परिवार को जानता हूँ, इसलिए मैं कभी परिवार पे बात नहीं करता उनके। नहीं नहीं, मैं शुरू में जब सीएम बने तो मैं स्कूटर के, हम लोग तो महाराष्ट्र में नहीं, वो की स्कूटर से आते हैं, स्कूटर से चलने वाला, तो लगता था कि चलो एक मैंने कहा ना, यदि ये 2014 मतलब मैंने क्या कहा, यदि वो अपने परिवार के वैल्यूज को सामने रखते तो देवेंद्र फडणवीस इस देश के प्रधानमंत्री मटेरियल थे, आज बड़ी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ये दो गुजरातियों के चक्कर में देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को मतलब सरपंच बनने के लायक भी नहीं छोड़ा। नरेंद्र देवेंद्र से नरेंद्र करते करते नरेंद्र ही बन गए, उन निपटाने में लग गए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आरोप हैं भाई इन लोगों पे, इन्होंने पूरी जिंदगी निपटाया है, ये नरेंद्र जी इन पर तो कहा जाता है कि उन निपटाने की एक लंबी लिस्ट है इनके पास, एक बड़ी कामयाबी उपलब्धि निपटाने में लोग मारती हैं। तो देवेंद्र भी नरेंद्र पीएम बनने के लिए नरेंद्र बन गए, निपटाने में लग गए। खैर, इस किताब के बाकी हिस्से भी आएंगे भाव के जरिए, अगर बीच बीच में उसके हिंदी संस्करण को मैं पढ़ा तो कुछ कहानी मैं बता दूंगा, नहीं तो भाव के जरिए ही लाएंगे हम पूरी कहानी। अभी इजाजत दीजिए, अब ये पूरी किताब खुलेगी, क्योंकि ये किताब महाराष्ट्र के चुनाव में आप तक जानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सरकार चुनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप सरकार में नेता चुन रहे हो या सुपारी बात चुन रहे हो। ये सुपारी का होता है काम, बड़ा क्लियर कट हम देसी भाषा में कहते, समझिए ये सुपारी होता है ना, 500 रुपया लो फलाने को फंसा दो, 500 रुपया 1000 रुपया लो उसको निपटा दो, तो ये सुपारी, आप सरकार चुन रहे हो,
ये मुंबई कहा जाता था कि अंडरवर्ल्ड चलाती है मुझे मुंबई, दुख इस बात तो का होता है, मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे दुख इस बात का होता है कि सुपारी के लाइन में सुपारी लेने के बाद कुछ मिलता है आपको, या सुपारी हाँ। ली उन्होंने लेकिन मिला उप मुख्यमंत्री पद, वो भी अपमान। हाँ, सुपारी लेकर के सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। तो इसीलिए किताब आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि आप अंडरवर्ल्ड नहीं चुन रहे हो, आप सरकार चुन रहे हो, अपना मुख्यमंत्री अपना सेवक चुन रहे हो। सेवक और माफिया फर्क है, माफिया नहीं चुन रहे, सेवक चुन रहे। किताब पढ़िएगा आप लोग भी, और नहीं पढ़ पाएंगे तो हम बताएंगे, भाव के जरिए आप तक लाएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद भाव, धन्यवाद।